टीवी, सच साहस सरोकार। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। तेजस्वी यादव का बिहार दौरा, डिप्टी सीएम पहुंचे चनपटिया, स्टार्टअप जोन औद्योगिक इकाइयों का लिया जायजा। 360 रिजर्व फाउंडेशन के ऊर्जा विभाग में भर्ती रिक्त अभ्यर्थियों का लिया गया इंटरव्यू। जिलाध्यक्ष ने किया संबोधन, नीतीश कुमार पर बोला जमकर हमला। शराब के लिए पैसे ना देने पर युवक की जमकर पीटा, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर नालंदा से है, जहां नूरसराय थाना क्षेत्र के नारी छिलका के पास बोरे में बंद मिले हाथ पैर और सिर मिलने के बाद पुलिस ने मृतक की पहचान करने का दावा किया है। और मृतक की पहचान सिलाय थाना क्षेत्र के नानंद गांव निवासी नरेश चौधरी के 30 वर्षीय पुत्र विकास चौधरी के रूप में की गई है। वही हत्यारोपी से पूछताछ के बाद पता चला कि युवक की कुदाल से काट कर हत्या की गई और शव को 6 हिस्सों में काटकर अलग अलग स्थानों पर बोरे में बंद करके फेंक दिया गया। उनका हत्या कर दी गई है, जिनका हाथ और पैर चारों काटकर, दो हाथ और दो पैर काटकर ये नारी के छिलका पर फेंका गया था और शरीर का जो बीच का पार्ट है वो सिपाह मोड़ के पास पुल के नीचे मिला और सर जो है जो फतुहा नदी के फतुहा में मतलब पुनपुन नदी के नीचे। छह हिस्सों में काट कर अलग अलग स्थानों पर बोरे में बंद करके फेंक दिया। पुलिस ने शव की पहचान का दावा किया है। बता दी मृतक की पहचान सिलाय थाना क्षेत्र के नानंद गांव जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, बड़ी घटना सामने आई है, शव को 6 हिस्सों में काटकर अलग अलग स्थानों पर बोरे में बंद करके फेंका गया है, क्या वजह है हत्या करने की, क्या कुछ पूरा मामला है? वीरेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद पुलिस ने शव की पहचान का दावा किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, बड़ी घटना सामने आई है, शव को 6 हिस्सों में काट कर अलग अलग स्थानों में बोरे में बंद करके फेंका गया है, क्या कुछ पूरा मामला है हत्या की, क्या कुछ वजह सामने आई है? ये नूरसराय थाना क्षेत्र नारी छिलका के पास की ये घटना थी, जो बोरे में बंद मिली हाथ और पैर के बाद रविवार को धड़ और सिर मिलने के बाद पुलिस पहचान में जुट गई और उसके बाद पहचान परिजनों ने किया। धन्यवाद वीरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए।
खबर नरकटियागंज से है, जहां कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही से प्रखंड क्षेत्र के किसानों को परेशानी हो रही है और कृषि कर्मियों की मनमानी चरम पर है। किसानों की माने तो कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए किसानों को दौड़ाया नहीं जाता हो, और जिसके चलते प्रखंड ई किसान भवन एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन दर्जनों किसान बीज लेने के लिए पहुंच रहे हैं और खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि कार्यालय समय से नहीं खुलता और ना ही समय पर कृषि की कर्मी पहुंचते हैं। चार दौड़ों से हम लोग दौड़ रहे हैं, एक बार आने में 110 का पेट्रोल जल रहा है, आने जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ आने पे यही हो रहा है कि कल परसों सोमवार के दिन मिलेगा तो फलना दिन मिलेगा, बीज आएगा तो मिलेगा, यही तो कह रहा है। OTP आ गया है? जी OTP आ गया है। आज आए हैं तो क्या बताया गया है? आज आए हैं तो ये कह रहा है लोग कि स्टाफ कोई नहीं है, सोमवार के दिन आइए आप। किसान भवन में बीज खतर लेकिन मिलत नहीं कभी ना जो साधो परसों वाले ने 5 दिन से परसों वाले जाना मिल गया तो का को OTP कट कोई बात तो रोज हमने के पेट्रोल जी आनो तावे में बीज ले जाए खाती लेकिन बीज नहीं मिल बहुत समय से का को हतर बहुत रटे की ये सब तो बहुत रटे जे आज बंद बटे बिहान बंद बटे जे सोमवार सोमवार के दिन मिली ई बताई 5 दिन से हमने कह रहा बन जा रोज आज हुई बिहान हुई कैसे तो बीज कैसे बोवाई। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के गुदगुदी पंचायत के नायका टोला में पंचायत स्तर पर गरीबों की समस्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में निहारिका नूतन ने फीता काटकर बैठक का उद्घाटन किया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां 360 रिसर्च फाउंडेशन के ऊर्जा विभाग में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया। बता दें चयनित अभ्यर्थी 360 रिसर्च फाउंडेशन के ऊर्जा विभाग के लिए व्यावसायिक ऊर्जा खपत करने वाले लोग व्यवसाय और संस्था के सर्वे और सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए जागरूक करने का कार्य करेंगे और चयनित अभ्यर्थियों का मासिक वेतन 10,500 से 25,500 तक निर्धारित किया गया है, जो उनके कार्य के आधार पर उन्हें दिया जाएगा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां स्वयं सहायता समूह की सचिव हीरामती देवी ने ग्राम नियोजन केंद्र द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीता काट कर उद्घाटन किया। बता दें इस कार्यक्रम में 3 गांव की बच्चियां प्रशिक्षण ले रही हैं ताकि वो सिलाई सीख अपना रोजगार चला सकें। संचालित समृद्धि परियोजना अंतर्गत 3 गांव में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है, जिसमें 60 बच्चियां भाग ले रही है। प्रशिक्षण जो है सितवापुर, बरगजवा और मठिया निसीप में 3 केंद्र संचालित किया गया है। इसमें बच्चियों को प्रशिक्षण सिलाई का दिया जा रहा है और बच्चियां बहुत खुश देखी जा रही हैं। धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ
प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बेतिया दौरे के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप जोन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप जोन में लगे औद्योगिक इकाइयों का जायजा लिया। वहीं उद्यमियों से उनके आगे की योजना के बारे में पूछा और सरकार की तरफ से सहयोग मिलने का आश्वासन दिया और कहा कि आपदा को अवसर में बदलकर चनपटिया में स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई। इस तरह की व्यवस्था बिहार के हर जिले में की जाएगी। नीचे रखना यार, थोड़े तो लोग आ गए। जो मजदूर जो कोविड के टाइम में जो वापस लौटे, नीज 9 टाइम्स, तो एक अवसर मिला यहां के जिला अधिकारी का इनोटेल आईडिया। भाई कहां हो, नीचे रखो ना। लोग इसके जरिए काफी लोगों को जो है एंटरप्रेन्योर जो है वो बने हैं, काफी लोगों को रोजगार मिला है और यही होना चाहिए ना। बिहार के लोग बिहार जाते हैं कमाने के लिए, यानी वहाँ खर्च करते हैं, पैसा भी वही रेवेन्यू उसी जाता है। खबर मोतिहारी से है, जहां की रहने वाली बेटी ज्योति ने रेलवे की कठिनतम परीक्षा NRTI को पास कर पूरे मोतिहारी जिले के का नाम रोशन कर दिया। इस दौरान लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा गया और ज्योति ने जनरल कोटे से सफलता प्राप्त की और NRTI की कठिन परीक्षा को पास कर रेलवे की बड़ी अधिकारी बन गई हैं। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैंने अपना एकेडमिक यहाँ इमैनुअल स्कूल मोतिहारी से किया है। उसके बाद मैंने 12th इसके से वीमेंस कॉलेज से बायो से किया। उसके बाद फिर मैंने रामा यूनिवर्सिटी कानपुर से BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है। उसके फिर मैंने यही एक साल मैंने प्रिपरेशन किया गवर्नमेंट जॉब या कम्पिटिटिव मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस का, जिसमें मैंने CUET दिया था और CUET में मैंने सफलता प्राप्त किया है और मुझे NRTI कॉलेज मिली है। करके मेरा नाम और रोशन गर्वानित की है। क्या कहना चाहेंगे इसे कहेंगे कि हर बिहार के हर बच्चे को इसी तरह लेबर और घर पर अध्ययन करके सफलता हासिल करना चाहिए। कैसी थी पढ़ाई में बेटी आपकी? पढ़ाई में बहुत ही शुरू से ही मेधावी रही है और इसको गवर्नमेंट जॉब लेने की काफी इच्छुक रही है, भगवान इसको सफलता भी दे रहे हैं। मेरी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है और आगे भी अच्छा की है, इसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। बेटी का जीवन लगभग सेटल हो गया, सफल हो गया जी, तो इस बीच में कहना चाहेंगे? शुरू से काफी मेधावी रही है और कठिन परिश्रम, इसका मतलब कि काफी ज्यादा कठिन परिश्रम ये करते रही है शुरू से, और इसका मेन फोकस जो है इंग्लिश जो है, मतलब शुरू से ही काफी अच्छा रहा है, जिस कारण इसका जो इंटरव्यू है काफी अच्छा रहा और यही एक वजह है जिस कारण ये कैट जैसे कंपटीटर से मतलब अच्छा आगे कर पाए। हम लोग तो सिर्फ गाइडलाइन देते हैं। खबर नालंदा से है, जहां न्यू नालंदा कॉलोनी में शुक्रवार की देर रात बदमाशों ने मामूली से विवाद के चलते जान से मारने की नियत से एक व्यवसायी के घर कोरोसिन भरे बोतल में आग लगाकर कमरे में फेंक दिया, जिसके बाद चीख पुकार सुनते स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।
खबर नालंदा से है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे युवक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरम्मत करवाने के लिए तो आए, उसके बाद उनको बताया कि जो ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, जो इनको बहुत मना कर चुके हैं तो पर भी आदमी हमसे नहीं मान चुके हैं, हम लोग का पैर हाथ मान लिए, बोले सब कुछ। क्या घटना हुआ है, क्या चीज़ हुआ है? ये पता नहीं हमें, मुझे मालूम नहीं है। हम गए इसके बाद एक्सीडेंट देखे, पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा ऐसा घटना घट चुका है, उसके बाद देखें, उसके बाद इनको उठाएं। वहाँ गए तो क्या जानकारी मिला? हाँ, जानकारी हुआ ट्रैक्टर से धक्का मार दिया। खबर नवादा से है, जहां जनता दल यूनाइटेड के संगठनिक निर्वाचन के तहत जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें तीसरी बार जिला अध्यक्ष बने पर्यवेक्षक ने बताया कि 10 से 11 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें एक ही नामांकन हुआ और जिसमें सभी कागज सही होने पर सलमान राजीव को निर्विरोध चुना गया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक कौशल यादव के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कौशल जी के सहयोग से हम बने थे और इस बार हमको यहाँ के ग्रुप जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी कार्यकर्ता जो हैं, सब मिलजुल करके हमको निर्वाचित घोषित किए हैं निर्दलीय। कौशल यादव नवादा जिला के जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सहरसा से है, जहां के मानिकपुर बार 3 में अचानक आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद गृह स्वामी ने पतरघट पुलिस एवं सीओ को सूचना दी और मामले की जांच कर सरकारी सहायता उपलब्ध करवाए जाने की मांग किया। वहीं बाबत सीओ सुक्रांत राहुल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा जांच प्रतिवेदन मिलते ही विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सरकारी स्तर से सहयोग किया जाएगा। अचानक जगह तो हल्ला किए, तब लोग जो जिनको जहाँ जहाँ खबर हुआ आया, दमकल वाला थाना भी आया, सब आया। 3 भाई का घर था,
क्या अंचल अधिकारी को जानकारी मिला है? सबको जानकारी तो गया ना, आवेदन दे के थाना को और अंचल को दोनों को दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार। पंचायत पत्रघट वार्ड नंबर 3। घर में लग गया था, कैसे लगा ये तो अभी तक क्लियर पता नहीं चला। घर की चूल्हा से लगा है या और किसी तरह से लगा है। 12 बजे रात में जब ये लोग उठा तो देखा कि हमारा घर जल रहा, तब गांव वाले को हल्ला किया, गांव वाला आकर आग को किसी तरह काबू किया। उसके बाद थाना पुलिस में भी खबर गया, दमकल भी आया यहाँ पे, सब मिल के आग को काबू किया, किस तरह गाँव वाला बचाया। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार यादव। पंचायत पत्रघट वार्ड नंबर 3। खबर सहरसा से है, जहां जनजाति के केंद्रीय आयोग के सदस्य डॉक्टर अंजू वाला एक दिवसीय दौरे पर सहरसा पहुंची, जहां उन्होंने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मालार्पण किया और वहीं सहरसा विकास भवन सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोसी प्रमंडल में संचालित सभी प्रकार की योजनाएं एवं पुलिस संबंधित कार्यों की प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाल में पटना में भी मैंने किए, गया में भी किया, कल पूर्णिया होके आज यहाँ आ रही और कल भी मैं जा रही हूँ। इस समय हम लोग ये मीटिंग टाइम से होती भी रहती है, लेकिन आपको भी मैं मीडिया को भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी फुल कमीशन भी आने वाला है और फुल कमीशन में भी जो मुद्दे हैं, तो जैसे भारत सरकार की योजनाएँ होती हैं, राज्य सरकार की योजनाएँ होती हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो बेनिफिट मिलने चाहिए, क्योंकि कमीशन उनकी सेव। खबर सहरसा से है, जहां शराब के पैसे ना देने पर पहले तो युवक की जमकर पिटाई की, फिर युवक को पुल से नीचे फेंक दिया। बता दें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की नाजुक स्थिति देखते हुए बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। काजू पास मान ले ओरा सब के 1000 टका दे, हम दारू पीबे ले तो तोरा हम पुल्ला पर से गिराए देबो। ई कहल के लड़का है जो टका नहीं छे, हमरा मालिक टका हिसाब में दल के है, हमे टका नहीं देबो। ओतने दरबियान में की कर ले के ओरा से बस दुनु में मार पीट भए गेले, मार पीट करत करत बर्बाद की भए गेले, जब पूरा भी गिर गेले और मिथिलेश पास अपना हथियार ले के लिए अनिल पास मान ले ओकर परिवार सब लेस भए गेले। झगड़ा हुआ दोनों में, हाथापाई चला, उसका पूरा परिवार आया, वो तो दबंग। कौन परिवार आया? काजू कुमार, मिथिलेश पासवान, अनिल पासवान, उसका मम्मी, उसका वाइफ, सब आया, सब मिल के इसको मारा, उठा के यहाँ पटक दिया पुल के नीचे, हथियार लेके भी आया, कुंडा से मारा और मार के उसको फेंक दिया, सब आदमी भाग गया। पुल भी तोड़ा वही लोग, रात में आया फिर बदमाश लेके पुल तोड़ के गिरा दिया, पूरा धमकी के साथ बोला निकलो सबको मार देंगे, मारपीट हो गई बच्चा के साथ, बच्चा को मार देते जान, बच्चा को मार लग। हाँ, हमें ये जामे तामे बच्चा लखपत रहे लग भाग लिए अस्पताल में, मानव दे कल से अतः नहीं बोला अच्छा तू ला के जा अतः से मधेपुरा के लिए, वो तो सिर्फ फरका दिल के हम चल गए पटना के लिए, वो तो आई जी एम एस में के लिए वो तो भर्ती कर लिए है वो बस्ती के। खबर सुपौल से है, जहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम कुमार ने मीडिया के संबोधन में नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में शराब माफिया और अपराध माफिया जैसे कई माफियाओं का राज चलने लगा है, जिसको लेकर गरीब लोग को नीतीश सरकार की पुलिस जेल में बंद कर देती है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े माफियाओं को अपना संरक्षण देती है। दारू सरे आम बिकता है और बड़े बड़े माफिया लोग जिनका बड़े बड़े नेता से संपर्क है, उसका आदमी आकर के दारू बेचता है। आखिर दारू कहीं बॉर्डर टपता है तब ना दारू बिक रहा है। दारू जो गरीब का बेटा जाता है जेल, आप देख लिए 80% अति पिछड़ा का बेटा जेल जा रहा है, जिसका कोई न पैरविकार है न कहीं कुछ।
खबर सुपौल जिला राघवपुर थाना क्षेत्र के गणपतगंज बाजार समीप NH 106 से है, जहां मोटरसाइकिल और टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया, जिसको अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौके पर पहुंची राघवपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लड़का जा रहा था सुराही के ओर, गणपतगंज में एक्सीडेंट होने के बाद बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ वहाँ मनसियाओं के बगीचा के पास, और हम लोग पता लगाए तो ऐसे ऐसे घटना हुई है। इनको दरभंगा भेजा गया, वहाँ से पटना गया, लेकिन मौखिक आदेश जानकारी है पुलिस को थाना में जो ऐसे घटना। प्रशासन अभी तक जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक मतलब प्लॉट पे नहीं पहुंचे, इसके दरवाजे पे, इसमें क्या कहेंगे आप? इसलिए नहीं पहुंचे हैं, जो कि उनको पता था जो इलाज में गए हैं, पटना गए हैं, अभी तक उनको ये जानकारी नहीं है जो कि मर गया है। तो माला का लड़का था, दोनों जा रहा संयोग से वहाँ हाजी टोला के नज़दीक जब पहुँचा तो वहाँ टेम्पू वाला का किया तो साइड से अकबर जाकर के मिल गया, इन लोग का था कहीं गाड़ी रफ्तार में, वो जाकर के मोड़ा, बस जब तक मेरी गाड़ी को संभाली तब तक मैं गाड़ी। अच्छा, आपका लड़का है जो डेट किया है, क्या नाम है वो लड़का? मोहम्मद ताहिर। अच्छा, मोहम्मद। भागलपुर पीरपैथी प्रखंड के रिफातपुर पंचायत के भीमा उराव की 1 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा मुआवजा के रूप में अनुदान दी गई थी, पर पीरपैथी अचल कार्यालय में गरीबों की जमीन मापी के नाम पर सालों साल से विवाद में है। यहां ग्रामीणों से जमीन मापी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं पर काम नहीं होता है, जिसको लेकर ग्रामीण ग्रामीणों से जमीन मापी के नाम पर पैसे के वसूले किए जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, ग्रामीणों से जमीन मापी के नाम पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? भागपुर पंचायत का मामला है, ये पीरपैथी प्रखंड में पड़ता है मयूर जी, और इसको अपने निजी ऑफिस में बुला करके वहाँ के सरकारी अमीन शाहनवाज के द्वारा 50,000 मांगा गया है और नापी के लिए, जो कि एक मतलब 2020-21 में इसने NR भी कटाया था। कृष्णा, अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की, इसके बारे में पीरपैथी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक में सारे अधिकारी ने सिर्फ खाना पूर्ति किया है। अब देखना होगा कब तक में इस पे कार्रवाई होती है ऐसे अमीन पे। जी धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता
ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम